फिर से टूट गया। अरे मैं दिमाग लगा दिमाग। तो फ्रेंड देख सकती हूँ, एक माइक्रो आर्टिस्ट को पेंसिल शार्प करने के लिए कितना दिक्कत सहना पड़ता है, बार बार टूट जाता है। तो चलिए आज हम बनाएंगे एक लेड को छोड़कर सिर्फ वुडन को शार्प करने वाला एक शार्पनर। देख सकती हूँ एक नॉर्मल शार्पनर, जिसको मॉडिफाई करके कैसे एक लेड को छोड़कर सिर्फ वुडन को शार्प करने वाला शार्पनर बनाया जा सकता है। तो पहले ब्लेड को खोल लेते हैं। अब साइड कटर से जो स्क्रू कसने का जगह है ठीक उनके आगे से कट कर लेना होगा। ध्यान रहे जो स्क्रू कसने का जगह है वो सेव रहे। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। जो ब्लेड है ब्लेड को आधे हिस्से से कट कर लेना होगा। देख सकते हो फ्रेंड ब्लेड बहुत हार्ड है, तो बड़ा कटर से कट करना पड़ेगा। टूट गया, कोई बात नहीं, फिर भी चल जाएगा। अब चाहो तो थोड़ा फेविक्विक का यूज कर सकते हो। स्क्रू से कस के टाइट देना पड़ेगा। अब हमारा शार्पनर रेडी है, चलिए टेस्ट करके देखते हैं। देख सकते हो फ्रेंड कितना क्लीन एंड क्लियर शार्प कर रही है, बिल्कुल क्लियर, आसानी से शार्प हो रही है। दिखने में कुछ इस तरह होगा आधा वाला शार्पनर। चलिए फिर एक टेस्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड ये शार्पनर सबकी कम पे नहीं आएगा, जो माइक्रो आर्टिस्ट है उनकी बहुत कम पे आएगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेंसिल शार्प करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पेंसिल वेस्ट होता है। तो ये शार्पनर माइक्रो आर्टिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देख सकते हो फ्रेंड कितना आसानी से शार्प हो रही है। फ्रेंड देख सकते हो कितना क्लीन एंड क्लियर शार्प हुआ है, बिल्कुल क्लियर, देख सकते हो। प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, और चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।